हेलो दोस्तों, गेम ऑफ योर टंग्स में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ। देखिए, ये सप्लाई से चलता है, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई से। लेकिन मैं इसको, और कोई भी आपके पास जो भी डेकोरेटिंग लाइट है, डीजे लाइट है, उसको कैसे मोबाइल फ़ोन की पुरानी मोबाइल फ़ोन की बैटरी से उसको रिचार्जेबल बना के 5 से 6 घंटा बिना बिजली के आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आज उसी पे मैं वीडियो बना के देने जा रहा हूँ, ताकि दिवाली के दिन अगर लाइट कट भी जाता है तो भी आपका जो बल्ब है, डीजे लाइट या फिर डेकोरेटिंग लाइट है, वो कंटिन्यू जलता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसे खोल लें और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा। कुछ नहीं लगाना है आपको, बस बैटरी कनेक्शन कैसे करना और कहाँ पे करना है, ताकि बैटरी खुद चार्ज भी हो और जले भी, लाइट अच्छे से जले लाइन कटने के बाद भी। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या हो रहा है कि मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ इस नॉब से आपका, ठीक है, जो लाइट बल्ब जो है चेंज करने का टाइमिंग घट बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए और तेज़ हो गया, और तेज़ हो गया, और तेज़ हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ बैटरी लगा दूंगा, ठीक है, मैं अगर अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पे घट के 5 वोल्ट यहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, 5 वोल्ट यहाँ बनाया जा रहा है, उसके बाद ये 5 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको 5 वोल्ट क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे कर लीजिए, ठीक है, ब्लैक वाले पे, ठीक है, ब्लैक वाला जो है, ठीक है, इस पे ब्लैक यानी माइनस आपको जो ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप रेड वाले पे जोड़ देते हैं रेड, ठीक है, जैसे देखिए मैंने जैसे जैसे जोड़ा, ठीक है, तो आपका बैटरी से ये लाइट जलने लगा। ठीक है, ये देखिए ये आपका प्लग जो है ये बाहर है, ठीक है, ये बैटरी से लाइट जल रहा है और कम अधिक भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब मानते हैं आपको ऑफ करना होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट करके छोड़ना होगा, या तो फिर कोई एक कलर ले जा करके छोड़ना होगा। ठीक है, जो भी थोड़ा थोड़ा देर पर चेंज करके ऑफ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ, कोई भी एक वायर को आप बाहर कर लीजिए, छुड़ा लीजिए, मैंने इसे छुड़ा लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एक दूसरा तार लगा देता हूँ। गौर से समझिएगा, एक बच्चा भी इसको आसानी से कर पाएगा। ठीक है, अब आपका दो उपाय हो गए। ठीक है, इस दोनों तार को आप बाहर निकाल लीजिए किसी स्विच के माध्यम से, उसको कनेक्ट कीजिएगा तो आपका ये जो है लाइट जो है जलने लगेगा। ठीक है, और हटा दीजिएगा तो लाइट जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग स्विच नहीं लगाना चाहते हैं तो सबसे सिंपल उपाय है, यहाँ पे देखिए इसको छुड़ा लीजिए, ठीक है, इसको छुड़ा लीजिए, दूसरा वॉल्यूम लीजिए ऑफ ऑन, ठीक है, जिसमें ऑफ ऑन भी हो, जैसे रेडियो के वॉल्यूम जो ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आपको लेना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्या कीजिए, किसी भी तार को बीच में जोड़ दीजिए एक ठो, ठीक है, और दूसरे को किसी भी एक साइड, आपके ऊपर आप किसी भी साइड जोड़ सकते हैं, यहाँ इस साइड या इस साइड, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो दो तार आपने निकाला अलग, ठीक है, ये जो दो तार थे दोनों को एक एक करके आपको जोड़ देना है। ठीक है, मैंने पहले जोड़ दिया यहाँ, फिर बाद वाले तार को मैं ठीक है, उसका नॉब मैं अभी फिलहाल इसमें लगा रहा हूँ। देखिए अब आपको ऑफ करना हो तो आप यहाँ से ऑफ कर दिए, ठीक है, अब ये बैटरी से चल रहा है। ठीक है, बैटरी से आपका लाइट जो है अच्छे से चल रहा है। ठीक है, गैपिंग भी कम अधिक हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो प्लग है, ठीक है, अगर आप प्लग अब लाइन लगा दें, क्या होता है, देखिए मैंने प्लग को लाइन लगा दिया, अब आपका जो है ये ऑलरेडी लाइट से चल रहा है। ठीक है, अब जब जैसे भी लाइट जब कटेगा, देख लीजिए अच्छे से चेंजिंग कर रहा है, जैसे लाइट यहाँ से हटेगा, ठीक है,
आपका ये खुद ब खुद बैटरी से चलने लगेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और आपके काम लायक हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको नॉब को खोल के इसे फिर से टाइट करके आपको अच्छे से असेंबल कर देना है। बैटरी को आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ बैटरी रख दीजिए, रखने के बाद इसको अच्छे से असेंबल कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो और आपके काम लायक हो। ठीक है, तो अगर सच में अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की जरूरी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।